मतदान थम चुका है और मेरे साथ हैं बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल साहब। पाटिल साहब, क्या लग रहा है आपको, मतदान अब खत्म हो गया है, आपको बधाई दी जा सकती है? बिल्कुल, बधाई दीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, बधाई दीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, बधाई दीजिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी को, बधाई दीजिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को और बधाई दीजिए हमारी जनता को। क्या लग रहा है आपको, जो वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है, कुछ आकलन निकल कर आया है, कहाँ तक जा रही गाड़ी? तो बहुत अच्छे ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। अब आंकड़ा तो पूरा निकालना भी मुश्किल है कि कैसे कहेंगे, लेकिन पिछली बार जो नंदू भैया जीते उससे अधिक वोटों से जीतेंगे। उससे अधिक वोट, जो मतदाताओं का रुझान आपने देखा होगा, लेकिन कई मामले गूंजे थे स्थानीय, नहीं ऐसा कोई विशेष नहीं था, ये कुछ लोगों के द्वारा चलाया गया था क्योंकि उनके पास कोई विषय था नहीं, इसलिए इस मुद्दे को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मुद्दा भी फेल हो गया है। आपने जो बहुत सारे वादे किए थे जनता से, आप 2 तारीख को परिणाम आते हैं, आपको यदि प्रमाण पत्र मिलता है तो पहला काम कौन सा करेंगे आप खंडवा के लिए? खंडवा के लिए जो खंडवा की जननीति से काम है, सबसे पहले तो इंदौर इच्छापुर रोड को तत्काल गति मिले, इंदौर से अकोला ब्रॉडगेज को गति मिले, और खंडवा के जो बाईपास वगैरह जो रोड है उसको, और उसके साथ साथ यहाँ पर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम तरह से काम करेंगे। मैं फिर एक बार पूछूंगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी और मतदान थमने के तुरंत बाद News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले हैं कि आप मुझे बधाई दे सकते हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, News24 खंडवा।